चिराज भी गैर सैम गैर क्यों है, गैर सैम में विधानसभा सत्र का आयोजन हो रहा है, सभी मंत्री विधायक और अधिकारी लाओ लश्कर के साथ विधानसभा सत्र के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेरने हेतु तो अपनी तलवारें म्यान में रखे हुए तैयार बैठा है। उत्तराखंड वासियों के लिए गैरसैन विधानसभा आज भी गैर है। हालांकि विगत 10 सालों में 8 विधानसभा सत्र का आयोजन किया जा चुका है, लेकिन गैरसैन राजधानी मुद्दे पर सरकार आज भी कोई फैसला नहीं ले पाई है। जबकि देखें तो 10 सालों में कांग्रेस सरकार में 3 तो भाजपा सरकार में 5 विधानसभा सत्रों का आयोजन हुआ है, जिसमें सर्वाधिक भाजपा के त्रिवेंद्र रावत सरकार में 19 दिन का बजट सत्र के बाद हरीश रावत सरकार में 4 दिन, बहुगुणा सरकार में 3 दिन और धामी सरकार में एक बार 4 दिन का सत्र ही आयोजित किया गया है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक यहां पर आयोजित सत्र इस प्रकार है, जिनमें 9 जून 2014 में 3 दिन, 2 नवंबर 2015 में 2 दिन, 17 नवंबर 2016 में 2 दिन, 7 दिसंबर 2017 में 2 दिन, 20 मार्च 2018 में 6 दिन, 3 मार्च 2020 में 5 दिन, 1 मार्च 2021 में 6 दिन और 13 मार्च 2023 में 4 दिन सत्र आयोजित हुआ। वर्तमान में राजनीतिक दलों के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र गले की फांस बना हुआ है। यदि पूर्व घटनाक्रमों पर नजर डालें तो 90 के दशक में उत्तराखंड राज्य की जोर पकड़ की मांग के बीच सन 1992 में राज्य आंदोलन की अगुवाई करने वाली उत्तराखंड क्रांति दल ने सर्वप्रथम गैरसैन का नाम चंद्रनगर रखकर इसे उत्तराखंड की राजधानी बनाए जाने की पुरजोर मांग की। लेकिन यूकेडी प्रदेश में अपना संगठन और जनता के बीच पहचान बनाने की दौड़ और अपने अस्तित्व की लड़ाई अभी तक लड़ रही है। राज्य निर्माण की बात करें तो लंबे चले आंदोलन और शहादतों के बाद वर्ष 2000 में केंद्र के भाजपा की अटल बिहारी सरकार ने उत्तराखंड राज्य के निर्माण तो कर दिया, लेकिन स्थायी राजधानी घोषणा न करने का मामला आयोग के हवाले कर दिया। तमाम उथल पुथल और राजनीतिक उठा पटकों के दौर से गुजरने के बाद 2012 में बहुगुणा सरकार ने कैबिनेट का आयोजन कर गैरसैन को फिर चर्चाओं में ले आए और 2013 में विधानसभा सत्र और विधान भवन का शिलान्यास और अगले साल पशुपालन विभाग की 47 एकड़ जमीन पर विधान भवन के निर्माण की नींव रखी है। इसके बाद से ही गैरसैन दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में शामिल भाजपा और कांग्रेस के लिए गले की फांस बना हुआ है। गैरसैन को स्थायी राजधानी बनाने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन फैसला करने में सरकारें नाकामयाब साबित हुई है। 4 मार्च 2020 को त्रिवेंद्र सरकार ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा करते हुए 25,000 करोड़ का प्रस्ताव बजट रखते हुए स्थायी राजधानी की ओर बढ़ते हुए कदम बना बताया। स्थायी राजधानी की ओर बढ़ते कदम को बताया था, लेकिन 4 साल गुजरने के बाद भी न तो प्रस्तावित बजट पर कोई बात हुई और न ही विधान परिक्षेत्र में विकास का कोई खाका खींचा गया। पिछले 10 सालों में कुल 8 विधानसभा सत्रों के आयोजन की संख्या महज 30 दिन ही रही, जिससे इस पर संजीव की सरकारों की नजर आती। 2014 से हर साल 2-4 दिन का सत्र का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन 2022 में धामी सरकार ने गैरसैन से किनारा कर सत्र का आयोजन नहीं किया। इसके बाद विपक्ष के दबाव के बीच 2023 में 4 दिन का सत्र का आयोजन किया गया, लेकिन 2024 में एक बार फिर इस दौरान ठंड का बहाना बनाकर के बजट सत्र के आयोजन को टालकर गैरसैन से दूरी बनाए रखी। लेकिन फिर एक बार मानसून सत्र को देखते हुए यहाँ के वासियों की एक बार पुनः टकटकी इस ओर लगी है। क्या कुछ अलग होगा और क्या इस सत्र से वासियों की भावनाओं के साथ न्याय कर पाएगा या पूर्व में आयोजित होने वाले सत्रों के समान महज खानापूर्ति करता रहेगा। संविधान के जानकार और यहाँ के वासियों का कहना है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद हर वर्ष 6 माह सरकार को गैरसैन में बैठना चाहिए, लेकिन 4 दिन का सत्र आयोजन कर केवल खानापूर्ति की जाती रही है। इस सत्र मानसून का जो सत्र आयोजित किया जाता है क्या रंग लगता है वो बताएगा, लेकिन तब तक के लिए मैं होता के सत्र धन्यवाद।